वेलकम बैक एन इंजीनियर साहिल का ज्ञान एंड आज मैं आपके लिए प्लेसमेंट से रिलेटेड नया अपडेट लेके आया हूँ या बोल सकते हो नई हायरिंग का अपडेट है। दैट इज योर सिंटेक्सा कंपनी जो है मेगा हायरिंग ड्राइव रखने जा रही है ऑन 25 जून 2022। ओके, इस हायरिंग को मेगा हायरिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2019, 20, 21, 22 और 2023 जो करंटली चल रहा है 2023 बैच वाले स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये हायरिंग अप्लाई हो गई है। यानी कि जैसे कि जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में आए हैं अभी रिसेंटली वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 2022 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 21 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हायरिंग बहुत बड़ी है। बात करूँ इसके रोल की तो आपको मिल रहा है एसोसिएटिव सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल मिल रहा है। सैलरी आपकी बात करूँ 4 LPA से 6 LPA वेरी करती है। ये कैसे वेरी करती है, जो आप एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे जाके जो राउंड्स होंगे उसके अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके बेस्ट और आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको 4 to 6 के बीच में एक पैकेज आपको मिल जाएगा। लोकेशन की बात करूँ आपकी जॉब जयपुर में ही रहेगी। स्टार्टिंग में वो ऑनलाइन भी रखते हैं ऑफलाइन भी रखते हैं उनके ऊपर होता है, बट मेनली जैसे कि कोविड के केस डिक्रीज हो गए एंड ऑल द थिंग्स आर नॉर्मल नाउ, सो यहाँ पर ऑफलाइन के चांस ज़्यादा है कि वो ऑफलाइन ही रखेंगे। अब बात करूँ मैं एग्ज़ाम पैटर्न्स की, तो एग्ज़ाम पैटर्न्स आप इस तरह से देखो, इसमें मेनली 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट राउंड होगा बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस। बेसिक कोडिंग क्वेश्चन में आते हैं आपके पैटर्न वाले क्वेश्चन या छोटा मोटा एरे का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, एकदम बेसिक वाला, ठीक है। और पैटर्न्स की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से चेक इट आउट कर सकते हो पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन कैसे किया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो राउंड फर्स्ट ये हो गया। राउंड टू के अंदर आते हैं आपके एरे स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं इसका भी मैं एक लिंक दे रहा हूँ राउंड टू के लिए, जिसके अंदर क्या होता है जैसे GFG पे जाओगे तो आपको 40 to 50 क्वेश्चन एरे के दे रखे हैं और स्ट्रिंग के, तो मेनली इनका फोकस एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चंस आप सोल्व कर पा रहे हो तो राउंड टू क्लियर हो जाता है। राउंड थ्री आपका लगता है वो होता है HR इंटरव्यू। दोनों राउंड क्लियर आपने कर दिए तो थर्ड राउंड आपका कंडक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको HR के साथ एक इंटरव्यू होगा। बहुत बेसिक होता है, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, और देन आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा और आपके पैकेज की वहाँ पर फेस टू फेस बातचीत हो जाएगी कि आपका कितना पैकेज लगने वाला है, एंड आप वहाँ पर पूरी अपनी बात कर सकते हैं कि मुझे इतना चाहिए या फिर सर इसको एक्सटेंड करिए एंड ऑल द थिंग्स, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो 2 राउंड निकालने हैं। सम टाइम क्या होता है सिंटेक्सा, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट सेकेंड में सिलेक्ट हो गए तो एक को राउंड कंडक्ट करवाते हैं, दैट इज उनका 3rd नंबर का राउंड होता है, एक एक्स्ट्रा राउंड एड करते हैं वो, बट सम टाइम ही करते हैं। कई बार जैसे सेकेंड में कम स्टूडेंट गए हैं तो वो नहीं करेंगे, डाइट कर देते हैं और समटाइम 3rd राउंड लगा देते हैं बीच में। तो कुल मिला के 4 राउंड भी होते हैं और इसमें 3 भी होते हैं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और देखते हैं इस वाली ड्राइव में क्या रहने वाला है। तो मेक श्योर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको ड्राइव का, मतलब कि लिंक दे दिया है अप्लाई करने का, तो गाइस जाइए जरूर अप्लाई कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं कोशिश करता हूँ मेरे चैनल के ऊपर आपको इसी प्रकार के और कंपनी के अपडेट लाता रहूँ, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको किस तरह के अपडेट्स और चाहिए, या फिर अपन सिंटेक्सा के आने वाले पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। कुछ 2-4 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ स्पेसिफिक, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है। जय हिंद जय भारत।